बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ, जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नोत्तर शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने 3 प्रश्नों का उत्तर किया था, जिसमें पहला प्रश्न था कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। और दूसरा प्रश्न था, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। और तीसरा प्रश्न था, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो ये 3 प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया था कल, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। और अगला प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। यानी कि बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था जो वो किसी से छिपी न रह सकी, उसे लेखक ने भी समझ लिया। तो बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो है सभी बच्चे पुस्तक से देख के लिख लेंगे, प्रश्न 4, और अब हम लोग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसका, उत्तर 4। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। अचानक मशीनी युग आने से मशीन में बनी कांच की चूड़ियाँ आने से मशीन में बनी कांच की मशीन में बनी कांच की चूड़ियाँ मशीन में बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगी। कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगी। मशीन में चूँकि एक समय में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बन जाती हैं, तो इससे जो है कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगी, और लाख की चूड़ियों की और लाख की चूड़ियों लाख की चूड़ियों की खपत खपत मतलब उसका बिकना लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई क्योंकि मशीन से कम हो गई। कांच की चूड़ियाँ बिकने की वजह से लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई। काम बंद होने से वह बेरोजगार हो गया था। काम बंद होने से
वह बेरोजगार हो गया था। बदलू 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 के मन में उसकी बदलू के मन में उसकी रोजगार के छीने जाने की व्यथा उसकी रोजगार के छीने जाने की छिन जाने की रोजगार के छीने जाने की व्यथा व्यथा थी जिसे वह छीने जाने की व्यथा थी यानी कि दुख था जिसे वह लेखक के समक्ष जिसे वह लेखक के समक्ष छिपा न सका लेखक जो है वो अच्छे से ये समझता था क्योंकि वह जब उसके घर जाता है बदलू काका के घर तो देखता है कि बदलू काका लेटे हुए हैं चारपाई पर और वो जो दिन भर लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे वो अब कोई भी चूड़ी नहीं बना रहे हैं। इससे वो उनको लगता है कि अब इनका काम बंद हो चुका है और ये देखकर ही व्यक्ति समझ सकता है कि काम बंद हो जाने पर उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जिस काम की वजह से उनका घर परिवार चलता था वो काम ही अब उनसे छिन चुका था। तो रोजगार के छीने जाने की व्यथा थी जिसे वह लेखक के समक्ष छिपा न सका। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। अचानक मशीनी युग आने से मशीन में बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगीं और लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई। काम बंद होने से वह बेरोजगार हो गया था। बदलू के मन में उसकी रोजगार के छीने जाने की व्यथा थी जिसे वह लेखक के समक्ष छिपा न सका। और अब इसमें आगे अगला प्रश्न है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पर हम लोग अब पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो ये सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। अब इसमें पांचवा प्रश्न है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो ये है प्रश्न पांच और उत्तर हो जाएगा पांच। तो इसमें लिखना है कि मशीनी युग आने से बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। मशीनी युग आने से बदलू का मशीनी युग आने से बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदलू का जीवन पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से बदल गया। पूरी तरह से बदल गया। कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से कांच की चूड़ियों का
कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से, चलन कहते हैं फैशन को, तो कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलों की लाख की चूड़ियाँ अब कोई ना खरीदता था। बदलों की लाख की चूड़ियाँ बदलों की लाख की चूड़ियाँ अब बदलों की लाख की चूड़ियाँ अब कोई ना कोई न खरीदता था कोई न खरीदता था उसका मनिहारी का अर्थ है चूड़ी बनाने का काम करने वाले लोग मनिहारी कहलाते हैं। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया और काम बंद होने की वजह से वह बीमार रहने लगा, क्योंकि उसे चिंता होने लगी कि अब उसका घर परिवार कैसे चलेगा और वह अब क्या करेगा। वह बीमार वह बीमार रहने लगा था वह बीमार रहने लगा था उसका शरीर क्षीण हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। उसका शरीर क्षीण हो चुका था उसका शरीर क्षीण हो चुका था उसके हाथों और माथे पर हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी नसें उभर आई थी अब हरदम प्रसन्नचित रहने वाला बदलू मन ही मन व्यथित रहने लगा। अब हरदम का मतलब होता है हमेशा। अब हरदम मतलब हमेशा। अब जो है हरदम प्रसन्नचित रहने वाला अब हरदम प्रसन्नचित रहने वाला प्रसन्नचित रहने वाला बदलू हमेशा प्रसन्नचित रहने वाला बदलू मन ही मन व्यथित रहने लगा। व्यथित मतलब दुखी। मन ही मन व्यथित रहने लगा। तो इस तरह से
इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हुआ कि मशीनी युग आने से बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। कांच की चूड़ियों का चलन, यहाँ पर ये बोर्ड में काला है इसलिए इसको मात्रा नहीं समझना है, ये चलन शब्द है। चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई न खरीदता था। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया था और वह बीमार रहने लगा था। उसका शरीर क्षीण हो चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। अब हरदम प्रसन्नचित रहने वाला बदलू मन ही मन व्यथित रहने लगा। यानी कि जो बदलू हमेशा खुश रहता था वो अब मन ही मन दुखी रहने लगा। तो ये बदलू के जीवन पर प्रभाव पड़ा और इस तरह से बदलू जो है वह प्रसन्न रहने की जगह पर दुखी रहने लगा। और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भाषा की बात। भाषा की बात से पहले यहाँ पे कहानी से आगे दिया है और कहानी से आगे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या दो प्रश्न इसमें दिया है कि आपने, कहानी से आगे का प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि आपने मेले बाज़ार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि अगर कभी ऐसा मौका मिला हो तो वो अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखकर लिखेंगे। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको किसी से सीखने की कोशिश की है या कभी ऐसा अवसर मिला है तो उसे लिखेंगे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर खुद से खोज के लिखेंगे कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब है यहाँ पे अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, तो ये जो है सभी जानते हैं। तो इसे सभी जानते हैं कि हम लोग मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं। तो इसमें जो है आपको दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है लिखिए। तो ये आपको लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, 4-5 लाइन में। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो अपने आसपास के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में, अब चौथा प्रश्न है ये, बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में बातचीत करना है। और पांचवा प्रश्न है कि हमारे खानपान, ये सब हम लोग ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो ये सब अनुमान और कल्पना का प्रश्न और कहानी से आगे का, ये हम लोग ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि हमारे खानपान और रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो आर्टिकल लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है, तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे ऑनलाइन क्लास में। और अब है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है
कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। और ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है, यानी कि वो बदलू की दो तरह की सोच को दिखाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। यानी कि जब कोई दुखी मन से बोलता है या व्यंग्य में बोलता है और या हारा हुआ रहता है तो वो जो भी बोलता है उसका सीधा अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ जो है वो कुछ अन्य ही होता है। तो कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो इसमें जो है ये पाठ से खोज के करना है। और अब है इसमें दूसरा प्रश्न कि बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, कैरेक्टर है एक, और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। तो बदलू जो है वो संज्ञा का उदाहरण है, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो बदलू नाम है इसलिए वो संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। विचार अथवा भाव जो भी हो उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला रज्जो आम कांच गाय इत्यादि, जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र स्वभाव वजन आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा, और तीसरी संज्ञा है ग भाववाचक संज्ञा या जैसे सुंदरता नाजुक प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखना है। और अब है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, कहानी में बदलू वक्त समय को बखत उम्र वय आयु को उमर कहता है, और इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो अर्थ में नहीं। तो तद्भव और तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जिनके कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, उसके उच्चारण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम लोग भाषा की बात का तीसरा प्रश्न करेंगे। भाषा की बात का तीसरा प्रश्न, और बाकी प्रश्न कुछ लिखने वाले हैं जो छात्र स्वयं से लिखेंगे, उसके बारे में कुछ और कुछ प्रश्नों की चर्चा कक्षा में की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग तीनों प्रकार की पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे भाषा की बात। भाषा की बात, और इसमें प्रश्न रहेगा कि तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें जैसे बदलू रज्जो बदलू रज्जो और इसमें और भी बहुत सारे शब्द आए हैं, और जातिवाचक संज्ञा जिसमें लेखक बेटी गांव, इसमें आम भी हो सकता है,
लेकिन आम जो है वो उसमें आ जाएगा जातिवाचक में। बेटी, गांव, शहर। तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, सुंदरता, नाजुक, यहाँ पर नाजुक और प्रसन्नता। ये सब भाव हैं। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने इन प्रश्नों को किया, और इसमें जो है प्रश्न अभ्यास में अनुमान और कल्पना में से जिसमें लिखने के लिए प्रश्न में कहा गया है उसमें लिखना है, और बाकी जो है चर्चा होगी। तो इसमें जो है प्रश्न यहाँ पर यही लिखना है कि पाठ से तीनों प्रकार के संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न में लिखना है कि पाठ से तीनों प्रकार के संज्ञाएं चुनकर लिखिए। और इसमें अब अंत में यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं, शब्दार्थ यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कि कई सारे शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, और इसमें चाव का अर्थ है चाह, रुचि, तीव्र और इच्छा, और सलाख यानी कि सलाई धातु की छड़, मुंगरी यानी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, और पैतृक, पैतृक यानी पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, और खपत माल की बिक्री, वस्तु पैसों से न खरीद कर वस्तु विनिमय, ये दोनों एक साथ ही है। तो वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, कि वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, और कसर, कसर का अर्थ है घाटा पूरा करना, कमी कमी, क्योंकि बदलू कहता है ना कि वैसे तो जीवन भर कोई मुफ्त में उससे चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन अगर शादी विवाह है तो वो पूरी कसर निकाल लेता था, यानी कि अब तक वो जितना जो है कभी सस्ता और कभी मुफ्त में दिया करता था तो वो घाटा जो है वो अपना पूरा कर लेता था। नाजुक, नाजुक का अर्थ होता है कोमल, और पगड़ी, पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, पाग जिसे पगड़ी कहते हैं। तो लंबे कपड़े को सिर पर लपेट कर बांधा जाता है। और मरहम पट्टी, मरहम पट्टी यानी जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट, तो चौकोर जो खाट होती है उसे मचिया कहते हैं। मुखातिब, मुखातिब यानी देखकर बात करना, देखकर बात करना। और डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, बांस का बना हुआ एक छोटा पात्र जिसे डलिया कहते हैं। फबना, फबना मतलब सजना, शोभा देना, तो फब का अर्थ होता है शोभा देना, सुंदर लगना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये सभी प्रश्नों को और पाठ की पूरी व्याख्या, और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो मशीनी युग का चलन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो उससे होने वाले हस्तशिल्पकार को, जो कारीगर हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है, वे बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार खत्म होता जा रहा है, तो इसका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और इस स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। तो इसमें जो है
हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को जो है देखा समझा, और ये जो प्रश्न लिखवाए गए हैं उसे कॉपी में पूरा करना है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।